नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेफ संदीप पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चॉकलेट ब्रेड या बबका ब्रेड बनाने वाले हैं, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं, ईस्ट है, सॉल्ट है, ऑयल है, मिल्क पाउडर है, ग्लूटेन है, इम्प्रूवर है, कैस्टर शुगर है और इसके साथ में वाटर। तो दोस्तों सबसे पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सॉल्ट को छोड़ के मिक्स कर लेने हैं। उसके बाद हमारा जो एक्टिवेटेड ईस्ट है वो मिलाएंगे और उसके बाद पानी के साथ मिक्स करके एक डो बनाएंगे और उसके बाद उसको नीट करेंगे। जब डो हमारा अच्छी तरह से नीट हो जाए, एक स्मूथ डो बन जाए, तो विंडो पैन टेस्ट करेंगे। डो का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और उसको धीमे धीमे चारों तरफ से स्टिच करेंगे। ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद जब हमारा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब आर पार दिखाई दे, सॉरी रोशनी आर पार जा रहे, तो समझा हमारा डो डन हो गया। डो को हम राउंड बॉल बना के एक बॉल में रख के प्रूविंग चैम्बर में फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। ये हमने रख दिया है ऑलरेडी 20 मिनट के बाद। डो देखो हमारा कितना फर्मेंट हो गया है। अब इसको बॉल से निकाल लेंगे और नॉक बैक करेंगे टेबल पे। नॉक बैक करने से क्या होगा, जो हमारे ईस्ट डाली है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि हाथ से जब मिक्सिंग करते हैं तो ईस्ट प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाती है। तो इसलिए नॉक बैक करेंगे तो CO2 प्रोजेक्ट टाइप हो जाएगी और इसको वापस से बाउंड बॉल बनाएंगे और ढक के रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद हमें 60 ग्राम प्योर चॉकलेट मेल्ट कर लेना है। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद हम डो को रेक्टेंगुलर शेप में राउंड करेंगे बेलन से। को रेक्टेंगल शेप में रोल करने के बाद हम जो मेल्टेड चॉकलेट है हमारी प्योर चॉकलेट, उसको डो पे अप्लाई करेंगे स्पैचुला से। अब इवनली चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद हम डो को फोल्ड कर देंगे राउंड शेप में, उसके बाद उसको हम कट करेंगे। जैसे हमने फोल्ड कर दिया है, अब इसको पिज्जा कटर से हाफ कट करेंगे और दोनों जो एजेस होंगे उनको अपोजिट डायरेक्शन में रख के एक बाइंड करेंगे, चोटी जैसा बनाएंगे। डो को फोल्ड करने के बाद ऑयल ग्रीस्ड मोल्ड में इसको शेपिंग के लिए रख देंगे। चाहो तो आप ओपन भी टॉप कर सकते हो या फिर इसको और स्मूथ कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ये हमने क्लोज कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हाथ में आटा लगा लेना, मैदा लगा लेना है, क्योंकि ये चॉकलेट है ना वो आपके हाथों में चिपकेगी, इसीलिए उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि हमारे हाथों में चिपके ना। ये हमने हो गया। अब इसको हम प्रूविंग चैम्बर में रख देंगे 35-40 मिनट के लिए, जब तक ये हमारा डबल साइज ना हो जाए। जब हमारा प्रोडक्ट डबल साइज हो जाए तो इसको हम बेकिंग के लिए 200 डिग्री पे 18-20 मिनट के लिए रख देंगे। ये हमने ओवन में डाल दिया। हमारे 16 मिनट पूरे हो गए हैं। अब ब्रेड को हम ओवन से निकाल लेंगे और इसको कूलिंग जैक पे ठंडा करेंगे। तीन से चार घंटे ठंडा होने के बाद हम ब्रेड पे थोड़ा सा न्यूट्रल ग्लेज लगाएंगे या फिर आप आइसिंग शुगर भी डस्ट कर सकते हो।
उसके बाद इसको हम स्लाइसों में कट कर लेंगे और प्लेटर में प्लेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों देखो हमने ब्रेड को कट कर लिया है, अब इसको हम वुडन प्लेटर पे लगा लेंगे और सर्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या कोई क्वेरी हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।